气氛。रुको जरा, सबर करो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और तड़कती भड़कती मजेदार वीडियो में। वैसे आप सभी जानते ही हैं कि हर जगह अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और इस मौके पर डांस गाना तो बनता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डांस आए या ना आए, बस उन्हें डांस करने से मतलब होता है। और आज हम आपको उन्हीं आधे अधूरे डांस करने वाले लोगों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप यही कहोगे, मजा आया। और हां, अगर आप किसी बात से परेशान या दुखी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर आपका दिल और दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी खोई हुई हंसी को वापस ला सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आधे अधूरे डांसर चच्चा जान के साथ, जो इतना अच्छा डांस करते हैं कि आराम से बैठकर इनका डांस देखते ही रहो। ये दुनिया का सबसे मुश्किल डांस माना जाता है, इसे जॉली डांस कहते हैं और ये जिला फिरोजाबाद के लोगों का प्रमुख डांस है। ये डांस स्टेप करने के लिए काफी डेडिकेट होने की जरूरत पड़ती है। ये डांस बहुत ही खास है और खास बात तो ये है कि ये डांस सिर्फ चप्पल पहनकर ही किया जाता है। अब इन्हीं की तरह हमारे एक और चच्चा जान है जिन्हें देखकर लगता है कि आज ये नागमणि लेकर ही जाएंगे, इसलिए फ्लोर पर अकेले ही डांस कर रहे हैं ताकि नागमणि और कोई ना ले जाए। जरा देखिए तो इनका डांस। अब जरा एक नजर इन चच्चा जान को देखिए, जो आ तो रहे हैं बड़े ही एटीट्यूड में, लेकिन लास्ट में जो इनके साथ हुआ उसे देखकर तो आप अपनी हंसी रोक कर भी नहीं रोक पाओगे। जरा देखिए तो चच्चा जान को। चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर, चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर। अब आप इन आंटी जी के तड़कते भड़कते स्टेप्स देखिए, कैसे आंटी जी अपने डांस का जलवा बिखेर रही है, लेकिन वो इस कदर अपने डांस में मग्न है कि पीछे की शूटिंग से अनजान है। वैसे कुछ भी कहो, आंटी जी के स्टेप्स है बड़ा कमाल के, आधे अधूरे हैं लेकिन ठीक ही है, इतने भी अधूरे नहीं है। अब यहाँ पर ये मैडम अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाने के लिए आई है और एक प्यारा सा डांस दिखा रही थी, तभी पता नहीं इन दीदी को क्या हुआ कि इन्होंने डांस की दुनिया से हटकर जिमनास्ट के दो स्टेप्स पेश कर दिए। ये देख बच्चे तो घबरा ही गए, लेकिन बड़ों का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपका होगा। जरा देखिए। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रंग बही सजता है जहां चार यार मिलते हैं, लेकिन मैं कहूं कि लोल भी बही होता है जहां चार कन्याएं मिलती हैं। अब ऐसा ही एक किस्सा है डांस दीवानी। इन कन्याओं का रूम में अकेले इन्हें डांस करने का चश्का चढ़ गया तो एक देवी जी डीजे शुरू करने गई, जिस पर तीन देवियों ने डांस के प्रति अपनी दीवानगी पेश भी कर दी, लेकिन जब चौथी देवी यहां थिरकने को आई तो बेचारी के साथ ऐसा लोल हुआ कि क्या ही कहें। देखिए मानना पड़ेगा दीदी ने भी डांस शुरू कर दिया। सच में डांस दीवानों की अपने भारत में कमी नहीं है। अब ऐसी ही तड़कती भड़कती डांस दीवानी ये आंटी जी भी है जो इतने फनी अंदाज में डांस कर रही है कि क्या ही कहने। देखिए
हे प्रभु हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ बोला कि पानी आ गया गांव सभी खुल गया मेरा मंदिर गांव से क्या हुआ हम लोग सेव करने आया थे। जब से ये सोशल मीडिया आया है तभी से महिलाओं की तो चांदी चांदी है। इनके हुनर को एक प्लेटफॉर्म जो मिल गया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर कभी कभी शूटिंग के समय ऐसे तगड़े तगड़े कांड हो जाते हैं कि लोग ठाके लगाने के साथ साथ कुछ अलग ही रिएक्शंस में खो जाते हैं। कुछ ऐसी मिली जुली फीलिंग आपको भी आने वाली है इस वीडियो को देखकर। जी हाँ, तो जरा अपनी कमर को कस लीजिए और दिल को थाम लीजिए। देखा देखा? अरे नहीं देखा रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दोस्तों, यूं तो हमारे भारत में एक ही ऋतिक रोशन है जिनसे आप अनजान नहीं होंगे। इनके लुक्स और एक्शंस की दुनिया दीवानी है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी नमूने भरे हुए हैं जो अपने आप को ऋतिक रोशन से भी बड़ा स्टार समझते हैं। उन्हीं नमूनों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है ये जनाब। अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझ रहे हैं कि मेरी तो हंसी थमने का नाम नहीं ले रही। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? हम दे दे अबे बेटा बाज कर दे। दोस्तों, एक बिट है जिसे मेरी भाषा में कहते हैं मुर्गा बिट। आपकी भाषा में जो भी कहते हैं आप समझ लीजिएगा। वैसे आपने भी कभी ना कभी इस बीट पर मस्ती जरूर की होगी। हाँ, ये तो मुझे पक्का पता है। लेकिन आज मैं इस बीट पर एकदम परफेक्ट बोले तो मैचिंग डांस लेकर आया हूं। इस डांस को देखकर लगता है कि इन भाई साहब का जन्म ही इस बीट पर डांस करने के लिए हुआ है। यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। वैसे मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में शर्माना मत। अब भैया, ये बाला डोज दिखाने के लिए तो मेरे पास लफ्ज ही नहीं बचे। अब आप खुद ही देख लीजिए। दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। Go away. मत बताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या? अब यहां पर ये मोहतरमा छत के ऊपर से अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि सामने से उनका दीवाना उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। लड़की देखिए कैसे आंख मिचौली खेल रही है। अब जरा इन चच्चा का अजीबोगरीब डांस भी देख लीजिए। मतलब चाह क्या रहे हो चच्चा, जो चाहिए वो मुंह से मांग लो, ऐसा तो मत करो यार। हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। भाई, आजकल हर फोन शूटिंग कैमरा और हर घर स्टूडियो बन गया है। हर घर नहीं तो घर की छत ही सही। लेकिन रील्स का जो धंधा है ना, वो भी रुकना नहीं चाहिए। जरा इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। ये मैडम छत के ऊपर ये अपने कमाल के स्टेप्स को पेश कर रही है, लेकिन इस डांस दीवानी को पता नहीं है कि डांस की शूटिंग आगे से ही नहीं पीछे से भी बरकरार है। वैसे एक माइकल जैक्सन से तो आप मिल ही चुके होंगे। अब माइकल जैक्सन के एक और कॉपी से मिलिए जो उनके जैसा बनने की कोशिश में है। लेकिन भाई, इसके डांस में जरा सी मिलावट है। अब वो मिलावट कैसी है ये आप खुद ही नोटिस कीजिए।
कुछ समझ आया। ये मुर्गा डांस था, हिप हॉप था, या फिर कुछ और ही जो हमारी समझ से बाहर है दोस्तों। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, जब तक आप खूब मौज मस्ती करते रहे। धन्यवाद।